वेलकम बैक टू माय चैनल शानू सलोन। तो आज हम फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ गाइस, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाला हूँ क्योंकि मेरा उस सलोन का शिफ्टिंग का चल रहा था और अभी तक मैंने टूर वीडियो भी नहीं बनाया सलोन का। तो फिलहाल के लिए अभी मेरा जो कुछ सलोन का काम बाकी है तो मैं टूर वीडियो बाद में बनाने वाला हूँ, बाद में बताने वाला आप लोग को कि मेरा सलोन कैसा बना है। पर फिलहाल के लिए काफ़ी दिन से मैंने कुछ अपडेट नहीं दिया यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ पर न्यू सलोन में ही बना रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट सलोन तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा आपको, बाद में दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ न्यू सलोन में मेरे हेयर का कलर करने का और सारी चीज़ों का, दो क्लाइंट्स है जो हैदराबाद से आए स्पेसिफिक, उनको कुछ अलग लुक चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं उनसे मिलाता हूँ और लास्ट तक देखो वीडियो को कैसा होने वाला है उनका हेयर कलर। दो लोग हैं, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो एंजॉय करिए हमारी वीडियो को लास्ट। तो भाई जैसे मैंने आपको बोला था, ये दोनों भाई है जिनका मुझको हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो आप इनको बिफोर लुक में देख लो कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, और फिर आफ्टर में भी देखना है। तो मैंने दोनों का एक साथ में एक ही ब्लॉग में मैं दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इनका नाम राहुल है, राहुल हैदराबाद से आए, आप भी हैदराबाद से आए, आकाश आकाश, ओके। तो आप दोनों भाई हो? हाँ, दोनों भाई, ठीक है। तो आप दोनों कब से सोच रहे थे शानू से बनाने का? लास्ट ईयर भी आए थे लेकिन हुआ नहीं था, लेकिन ये ईयर आ गए, लास्ट टाइम नहीं मिला, मतलब गाड़ी थी चले गए, अभी आए, ठीक है। तो आज आप अपना लुक चेंज होने के लिए एकदम रेडी हो? हाँ, एकदम रेडी। तो गाइस मैं आपको शायद पहले नहीं बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखो और बताओ कमेंट करके कि कैसा हो रहा है, और पूरा लास्ट तक देखना है उनका कलर, उनका कलर दोनों का डिफरेंट डिफरेंट कलर करने वाले हैं हम, डिफरेंट कट भी करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, एंजॉय करो, स्टार्ट करते हैं सर का हेयर कलर करना। सो रहे हो? हाँ। ओके, नींद आ गई आपको? यस। क्या बात है, तो एकदम बहुत अच्छा हो गया हमारा ये, वाओ कितना प्यारा लिफ्टिंग हुआ है, मजा आ गया। तो आप क्या रात को सफर करके आए, क्या ट्रैवल करके आए? हाँ। इसके लिए आपको नींद आ रही है, क्या बात है। तो गाइस ये नूडल्स रेडी हो गए हमारे, ठीक है। चलेगा नूडल्स? तो गाइस अभी हमारा पे लाइटिंग कंप्लीट हुआ है, ओके। तो अभी हम इसमें वॉश करेंगे, इसको टोन करेंगे, फिर उसके बाद कैरेटिन करेंगे, फिर उसके बाद कट करेंगे, तो अभी बहुत सारा प्रोसेस बाकी है। दूसरा इधर भाई का अभी एक एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन हो रहा है। गाइस कैसा रहता है ना, सबके हेयर का टेक्चर अलग अलग रहता है, ठीक है। इनका एक एप्लीकेशन में नहीं हुआ, यहाँ पे वन एप्लीकेशन में इतना अच्छा लिफ्टिंग मिला, मतलब हम जो कलर चाहिए यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं, कोई भी कलर ये कर सकते हैं। पर ये जो है इनका सर का, जबकि इनके हेयर भी वर्जिन थे, ठीक है, सेम प्रोडक्ट मैंने दोनों को यूज़ किया, सेम लेवल पे डेवलपर के साथ किया, पर यहाँ पे उतना लिफ्टिंग नहीं मिला जितना मुझे वहाँ पे मिला।
तो इसके लिए यहाँ री एप्लीकेशन हो रहा है, उनका हम कलर टोन करने जा रहे हैं। ये होने के बाद में जो इनका और अच्छा हो जाएगा, हमें चाहिए मिनिमम 10 लेवल होएगा तभी हम इस पर फिर कलर टोन करेंगे। तो तब तक हम इनका कलर टोन करते हैं जो इनके साथ में भाई है, ठीक है। तो अब देखो फाइनल कलर क्या होने वाला है। गाइस हमारा अभी फाइनल डिपॉजिट हो रहा है। इसके बाद कटिंग होने वाला है। गाइज हमारा हेयर कलर एंड हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज कैसा लगा आपको, और भाई आपको कैसा लगा? और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि हमने ना इनको सर को ना हैदराबाद जाना है, इनको लेट हो रहा है, इनकी 8 बजे की ट्रेन है। तो इन्होंने कैरेटिन का जो ये था प्रोसेस वो कैंसिल किया, जैसा अभी कलर एंड कट किया है। तो कैसा लग रहा है इनका कट एंड कलर, ठीक है सर? कैसे आए थे? मैं बस नहीं, कैसे लुक में आए थे? लुक है तो वो बेकार लुक में आया। कैसा लग रहा है अभी आपको? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, सीरियसली अच्छा लग रहा है। आप जो सोचे थे वैसा ही है? मैं जो सोचा था वही हुआ। वही हुआ ना, मस्त लग रहा है। तो गाइस अभी एक प्रोसेस और बाकी है, इनका तो हो गया। इनके जो भाई है, इधर आ जाओ, ये भाई निकल रहे, इनको लेट हो रहा है, ठीक है। तो ये भाई बोल रहे हैं इनको कलर कंप्लीट करना है और कट भी कंप्लीट करना है, और 8 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी। तो ये भाई निकल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं मुंबई रुक रहा हूँ आज, कलर कंप्लीट अच्छे से चाहिए, थोड़ी देर के लिए रुक लिया, मैं रिजर्वेशन टिकट करा लेता हूँ। ठीक है, चलेगा। तो ये भाई टिकट करने के लिए जो भी है इनका पता नहीं, टिकट करने जा रहे, क्या टिकट हो गई या बस पकड़ने जा रहे, तो इनको थोड़ा जल्दी है, तो इनका भी फाइनल लुक देखें। हमारा हेयर कलर कंप्लीट हो चुका है, हेयर कलर एंड हेयर कट, ठीक है। भाई आप कैसे हो, कैसा लग रहा है आपको बताओ? अभी अच्छा लग रहा है, मतलब बिफोर से आफ्टर अच्छा लग रहा है।
जो आपने एक्सपेक्टेशन रखा था वही मिला? कलर अच्छा है, एक्सपेक्टेशन फुल हो गए। मतलब आपको लगना लगा ऐसा हैदराबाद से यहाँ आना वर्थ इट है? हाँ वर्थ इट है ना, इसके लिए तो। क्या बात है, क्या बोलना चाहोगे भैया? कुछ नहीं, अच्छा है हेयर कलर, शान उसको आना चाहिए और हेयर कट भी अच्छा है, कट अच्छा है। वाओ थैंक यू सो मच। काफ़ी मैं बिजी था, आपका कलर मैंने चलते चलते किया है और भी क्लाइंट्स के हैं। गाइज एक्चुअली क्या है ना, मैं आजकल कम वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ, मेरा ना शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, टाइम नहीं दे पाता एक्चुअली। और वीडियोज़ के लिए कैसे है कि टाइम चाहिए, बातें करना माइंड सेट रहता है और फ्री फ्लो रहेगा तो बातें करनी अच्छा लगता है। फिर भी ये सर आज आए हैदराबाद से, और जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि मेरा इंटीरियर अभी सलोन वही है जो मेरा पहले फर्स्ट फ्लोर पे था, ठीक है। और मैंने टेम्परेरी में 6th फ्लोर पे शिफ्ट हुआ था, आप लोगों ने देखा ये वीडियो भी है उसका। अभी मैं फिर से फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, पर मैंने अभी तक ओपनिंग नहीं किया और मेरा इंटीरियर रिवील नहीं किया मैंने, क्योंकि रीज़न है अभी काफ़ी सारे मेरे लाइट्स वगैरह चीज़ें बाकी है जो मेरा आर्किटेक्ट नहीं कर रहा है। गाइस आर्किटेक्ट को तो मैं आपको ना बताने वाला हूँ, ठीक है, पूरा टूर वीडियो बताऊँगा और वो आर्किटेक्ट का आपको शकल भी दिखाऊंगा। 45 डेज बोल के बंदे ने 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे ये आने वाले अक्टूबर की 5 तारीख को, ठीक है, इतना कोई डिले नहीं करता यार। तो आप लोग को मेरी ये सलोन का टूर का और वो स्टोरी सुनने में कौन कौन इंटरेस्टेड है कमेंट करके बताओ, तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट व्लॉग आपको वो वाला ही दूँ कि मेरा सलोन का टूर का और जो आर्किटेक्ट ने कैसे कैसे क्या क्या किया सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो मैं मतलब जेन्युइन फीडबैक दूंगा आर्किटेक्ट का भी, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ भाई की बात कर रहे थे, ठीक है। तो गाइस ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, रोज़ गोल्ड, आप भी देखो कितना प्यारा लग रहा है, वाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप मुझे बताओ कमेंट करके दोनों भाई का हेयर कलर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ, कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।